आने जाने से पहले हम लोग ब्रंच कर रहे हैं। ये है मेरी दीदी, जुन भाई और तुम्हारा शी दोनों उधर में कुछ कुछ फल ले रहा है, टेंगा वाला। नींबू लेके नहीं मिल रहा यार। क्या लिया है? नींबू दुन रहा है, पकौड़ी लिया है, ये संतरा लिया है। मेरा घर इससे ज्यादा सुंदर है, जो भी बोल लो। हमें गर्मी के लिए कुछ कुछ लिया गया है दीदी भैया द्वारा। ये तो ज्यादा सुंदर, तो हम तो नहीं आएंगे, हो जाएगा। व्यू को छोड़ दो। वीडियो है। देखो मालूम है, ऐसे करो, तीनों आगे जाने दो, आप फोर्ट पे बैठो, हम लोग सबसे लास्ट में ना आने लो, आगे चला जाएगा हम लोग, आप आगे चला जाएगा। किसी को भी पता नहीं है हमारे गाड़ी में खाने पीने का सामान बहुत ज्यादा है। हम ले के का है आपको रेड बुल पी के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। वही लग रहा है जोगिन बकरा का ना। ये क्या ऑलमोस्ट पहुंच गया है और आप लोग देख सकते हैं रास्ता इतना अच्छा है, शेकिंग हो रहा है। आप लोग नोटिस किया होगा हम लोग आते समय को बहुत धूप था, लेकिन जैसे ही हम लोग पहुंच गया यहाँ पे वेदर बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मजा है, ठंडा ठंडा है। बर्फ गिरने का देरी था लेकिन बर्फ नहीं गिरा ना। पानी चर्च यस, हम लोग फाइनली पहुंच गया है पामी चर्च में और जैसा कि देख सकता है वेदर बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ये है पामी चर्च, डेकोरेशन भी हो गया है, इको भी है, बहुत इको भी है, गाना गाने से बहुत मजा आएगा हम लोगों को। वेदर के हिसाब से ये लोग तो मजा आ गया। वहाँ पामी में पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रोस्टिंग किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड थी, और रोस्टिंग के बाद हम लोग सीधा निकल गए डिनर करने को, और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वर्शिप के लिए प्रैक्टिस की। और फिर अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई सिर्फ और सिर्फ नजारा देखने के लिए, एंड इट वाज वर्थ इट, बहुत ही सुंदर था। फिर मैंने देखा कि सभी अपने अपने कामों पे व्यस्त थे क्योंकि चर्च का इनॉग्रेशन जो होना था, और फिर क्या, मैं नजारा देखने के बाद फ्रेश अप होने चली गई। ओके, वी आर ऑलमोस्ट रेडी हम लोग सर्विस के लिए। इतना देर से हम लोग को बिना मेकअप में देख रहा था, हम तो फोटो खींचने के लिए और हम लोगों ने रात में प्रार्थना किया था धूप आने के लिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर धूप निकला है, सो वी आर क्वाइट हैप्पी। सुंदर सा नजारा देखते हुए हम लोग एप्पल का लुत्फ उठा रहे हैं। थैंक यू। दिन भर प्रसाद। Celebrate the victory of the Lord. Manaye hum, uske dil hamesha manaye. Manaye hum,
उसके जीव हमेशा मनाए। क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च पामी एस्टैब्लिश 16th अप्रैल 2011 न्यू चर्च बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय सीआरसीसी एफ सेक्टर नाहरलगुन डेडिकेटेड टू गॉड बाय रेवरेंड गंगते कच्चे पास्टर सीआरसी वाराफानी नाहरलगुन ऑन 18 फरवरी 2024 इन प्रेजेंस ऑफ ब्रदर ताई ततो प्रेसिडेंट पीपीडी सीआरसीसी इवेंजलिस्ट हीलंग ताया पास्टर सीआरसी एफ सेक्टर नाहरलगुन इवेंजलिस्ट जेके ताचंग जनरल सेक्रेटरी पीपीडी सीआरसी ब्रदर नाबम ताजिक पास्टर सीआरसी पामी ब्रदर नाबम नागा सेक्रेटरी कंस्ट्रक्शन कमिटी ब्रदर गांधी दुई चेयरमैन ब्रदर तकंग संगदो सेक्रेटरी ब्रदर तार केचाक ट्रेजरर ब्रदर मजिन दुई मेंबर सिस्टर यागे मोर्टेम मेंबर डॉक्टर यापी जेरंग मेंबर ब्रदर तोमर लॉय मेंबर। सो नेक्स्ट प्रोग्राम ओवर टू रेवरेंड गंगते काचे। प्रेज द लॉर्ड। एक बाइबल देखिएगा आप, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 17 में बाइबल वचन कहता है, वे सच कहता है और इस संसार में जो बंद किया जाएगा स्वर्ग में भी बंद किया जाएगा और इस संसार में खुला जाएगा स्वर्ग में भी खुला जाएगा। इसलिए वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए आज मैं यासी पामी को वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम से डेडिकेट करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। I will say this is the day that the Lord has made. I will run for He has set me there. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. उसके पाप को मैं धन्यवाद के साथ आऊंगा, उसके अन्नों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दुनिया हो माने बनाया, मैं उस वाक्य आनंद किया। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहां जाऊं आत्मा से। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहां जाऊं आगे पीछे। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा। पामी में पामी के लोग वहाँ जो आपको चांगर दिखाई दे रहा है वहाँ पे चर्च को चलाया करते थे, लेकिन अब इस चर्च में पामी के लोग एवरी संडे चर्च बैठेंगे। और ये चर्च जो है सीआरसीसी नाहरलगुन एफ सेक्टर द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आज में इनोग्रेट हो गया है। वी आर क्वाइट हैप्पी। भजन भाई आपको कैसा लग रहा है पामी चर्च में? पामी चर्च में आके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठने का दिल है, लेकिन करेगा ना, हम लोग वहाँ में काम सब लोगों में है, चर्च भी अपना चर्च भी वहाँ में है, कोशिश करेगा नेक्स्ट बार फिर आने के लिए। और यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है पास, लेकिन आप जब भी आएगा अब तक टॉयलेट जब यहाँ कंस्ट्रक्शन होने के बाद ही आई है, नहीं तो टॉयलेट का प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। तो फाइनली इट्स टाइम टू गो, हम लोगों का लंच हो गया है। आप भी कभी विजिट कीजिए, आइए यहाँ पे। इफ यू कैन स्पॉन्सर कुछ कुछ चीज जो नीड होगा चर्च में आप कर सकते हैं। ओके, तो दिन यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय। ओके, सो फाइनली वी आर हियर एंड ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हो। बाय बाय।
है चला खोड़ी है तो अब इसको क्या करेगा इतना ज्यादा को ले जाते इसको ले जाके आग जलाने का बिजनेस करेगा ऐसा ना उसके बाद आग जलाएगा आप भी एक चाय का टपरी तो नहीं खोलने वाला है ना दूसरा का घर में जाके आग जला देगा और वो देखो खूब निकलने के बिना दाव को सीरियस से कर रहा ना क्योंकि इलेक्शन के लिए पुलिस ने दाव को छीन के रख लिया रोहित सर आप क्या कर रहे हो उधर देखा होगा हम लोग का यूथ पास्टर को जी वहाँ में गम निकल रहा है और ये सेक्रेटरी कलेक्ट कर रहा है ये हम लोग का यूथ फंड के लिए लोग अभी कुछ सोचा है लोग जी तो क्या सोचा हमें मतलब नेपाल कुछ सोचा है तो जो भी सोचा अच्छा सोचा है किबाना किबा एकता से जी तो ऐसे हम भी साथ दे रहे हैं मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं मगर फिर हम भी ऐसे साथ दे रहे हैं okay. तो आप आगे देखते रहिए क्या दोनों क्या पास्टर जी आप कैसे करके लकड़ी को निकाल रहे हैं और क्यों प्लीज बता दीजिए ताकत गया है मैं इसको अपने घर में आग जलाने के लिए यूज करने के लिए अच्छा अच्छा ले रहा हूँ अभी तो यूथ फंड के लिए बताया था ओ यूथ फंड के लिए हम उधर में सारा वो तो एक दो करोड़ का हो जाएगा सारा निकला है ओके तो अपने लिए भी ले रहा हूँ अच्छा अच्छा यहाँ हमारे कुछ अमा पार्टी फोटोज क्लिक करने के लिए अंदर तरफ गए थे अगर आप लोगों को कैसा लगा फोटो क्लिक करके आप लोगों को कैसा लगा बहुत ही खूबसूरत है जगह अभी 5:19 हो रहा है और हम लोग पहुंच गए हैं पोतीन थोड़ा बहुत मेघिंग इंजिन ढूंढना है ऑलमोस्ट माय फेवरेट वेदर क्या मेघिंग